गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं ज्योति मालवीय आचार्य चाणक्य स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। अब जो मटेरियल्स होते हैं वे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो मेटल्स होती है जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी से आप वाकिफ हैं, आपको इन सभी का परिचय है कि कॉपर कैसा होता है या आयरन किस प्रकार का होता है, एल्यूमिनियम कैसा होता है। तो ये जो मेटल्स हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो मेटल्स होती है और नॉन मेटल्स होती है उनको हम कुछ प्रॉपर्टीज उनमें होती है जिनके द्वारा हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखिए, फर्स्ट हमें यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है जिसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक। अब देखिए, जो मेटल्स होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेलियबिलिटी होती है। यानी अगर कोई भी वस्तु है, आपने देखा होगा कि जो लोहे की वस्तु होती है हम क्या करते हैं, जब उसको पीटते हैं, उसको ठोकते हैं, तो क्या होता है, उससे एक शीट बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है मेटल की, यही है कि अगर कोई भी वस्तु है, जैसे कि कोई भी मेटल है और मेटल को हमने क्या किया, बीट किया, उसको ठोका, तो उससे क्या हो जाएगा, ये एक थिन शीट बन करके तैयार हो जाएगी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि एल्यूमिनियम की जो शीट्स बनाई जाती हैं, साथ ही जो आयरन की पतली शीट्स बनाई जाती है, वो इसी के कारण बनाई जाती है, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होती है। यानी किसी भी मेटल को जब आप क्या करोगे, ठोकोगे, तो उससे क्या होगा, एक पतली शीट बन करके तैयार हो जाएगी। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी होती है, अब देखिए नॉन मेटल में जो प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। अब जो मेटल से उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो मेटल होती है उससे क्या किया जा सकता है, जो तार होते हैं, वायर्स इज कॉल्ड, यानी इसमें से क्या किए जा सकते हैं, ड्रॉन वायर्स, यानी जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं पतले, वो खींचे जा सकते हैं, जैसे कि सोना होता है, चांदी होते हैं, जिनसे क्या किए जाते हैं, पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं, और उन तारों के द्वारा फिर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। इसके बाद में कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मटेरियल्स की और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि जो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी कठोर होते हैं, साथ ही साथ इनमें एक शाइन होती है खुद की, मिलेवल होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा कि इनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं, वायर्स निकाले जा सकते हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं। इसके बाद में सोनरस, यानी जो मेटल होती है उसको, अगर आपने देखा होगा कि अगर घर में आपके किसी भी आपके हाथ से अगर कोई बर्तन गिर जाता है तो आपको एक आवाज आती है, तो वही जो साउंड होता है वो इन मेटल्स में होता है। गुड कंडक्टर होती है, यानी जो मेटल्स होती है वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। मैंने आपने देखा होगा कि आपके घर में जो आपकी मम्मी होती है जब खाना पकाती है, तो वो एल्यूमिनियम का या जो आयरन का बर्तन होता है उस पर खाना पकाती है। क्यों पकाती है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम या जो आयरन होता है वो एक मेटल होता है, और मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है। हमने देखा कि हमारे घर में जो भी बिजली से चलने वाले जो भी सामान होते हैं, जैसे कि पंखा ही अगर हमारे घर में चल रहा है, तो उसमें जो वायर्स लगे होते हैं, जो तार लगे होते हैं, वो किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, और जो एल्यूमिनियम और कॉपर है वो क्या है, मेटल्स है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद में हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो देखिए, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या दी गई है मेटल्स की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये क्या होते हैं, यहाँ पर रिएक्शन होगी किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो कैसे होगी, आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है, लोहा पड़ा हुआ रहता है बाहर, तो वो किसमें पड़ा रहता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और अगर उसके ऊपर बाहर की जो एयर होती है यानी ऑक्सीजन, उसके ऊपर क्या जो नमी होती है, और नमी के कारण क्या होगा कि जो लोहा अगर बाहर पड़ा रहेगा तो उस पर क्या होगा, रस्टिंग होने लगेगी, उस पर जंग लगने लग जाएगी। तो इस प्रकार से रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होती है। अब रिएक्शन विद वाटर, यानी वाटर की रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर दिया है कि जो पानी होता है उसके साथ में जो सोडियम होता है, सोडियम क्या होती है, एक मेटल है, और सोडियम को अगर हम क्या करें, पानी में अगर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, या एयर में छोड़ दिया जाए तो उससे क्या होगा, वो रिएक्टिव हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। इसलिए जो सोडियम होती है उसे क्या करना पड़ता है, केरोसिन में रखना पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। अब इसके बाद में रिएक्शन विद एसिड, अब देखिए एसिड के साथ में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और उनसे जो हाइड्रोजन गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है।
इसके बाद में रिएक्शन विद बेसिस देखेंगे कि जो बेसिस होते हैं उनसे किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 4.7 हमारी बुक में दी गई है, उसमें बोला है कि प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन। क्या करना, हमें एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब उसमें क्या करना है, डिसॉल्व करना 3-4 पेटल्स डालने हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, ऑफ इन इट 5 ml ऑफ वाटर। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके 3-4 पेटल्स डालने हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसमें फिर क्या करेंगे 5 ml वाटर डाल देंगे। और वाटर डालने के बाद में क्या करेंगे, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल का एक छोटा टुकड़ा लेंगे और उसी में डाल देंगे। अब डालने के बाद क्या करेंगे, एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर जाएंगे और वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके मुख पे ले जाकर रखेंगे और उसके माउथ के पास ले जाकर रखेंगे। तो क्या पाएंगे हम, जब हम पाएंगे कि ये जो मैच स्टिक जब हम लेकर गए हैं तो क्या हुआ, एक पॉप की आवाज आई। यानी यहाँ पर जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे बेसिस के साथ में, तो जो हाइड्रोजन गैस होगी वो मेटल्स के साथ, जो यहाँ पर बेसिस जो है वो क्या करेंगे, मेटल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ में जब भी बेसिस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनकी जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर हमने 5 बीकर्स लिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। अब फर्स्ट वाले बीकर में हमने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट और उसके साथ में हमने जिंक डाला है। सेकंड वाले में हमने कॉपर सल्फेट और कुछ आयरन एस डाली है। सी वाला जो है उसमें हमने जिंक सल्फेट और कुछ जो कॉपर की टर्निंग होगी यानी कुछ छीलन होती है कॉपर की वो डाली है। उसके साथ साथ डी बीकर जो है उसमें हमने डाला है आयरन सल्फेट, कॉपर डाला है साथ में, और जो बीकर ई है ये इसमें हमने डाला है जिंक सल्फेट और आयरन नेल। अब देखिए ए वाला जो है इसमें हमने क्या डाला था, सबसे पहले बीकर ए में कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसके किसके साथ हमने रिएक्शन करवाई, जिंक के साथ। तो देखो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ में जब जिंक को डाला तो क्या हुआ, जो जिंक है ना उसने क्या कर लिया, इस कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर दिया। जिंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर की जगह ले लेगा। कॉपर को हटा के क्या किया जिंक ने, यहाँ पर हमारे पास हमने पहले कॉपर सल्फेट डाला था तो कॉपर जो है उसको हटा दिया किसने, जिंक ने, और यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर सल्फेट की जगह पर जिंक सल्फेट। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने बी वाले में भी कॉपर सल्फेट लिया था और आयरन नेल ली थी। तो अब देखो ये जो क्या किया, ये आयरन नेल ने क्या किया, जो कॉपर सल्फेट है कॉपर को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। और उसके बाद में जो हमारे 3 बीकर और बचे हैं सी डी और ई, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए कॉपर सल्फेट को हमने क्या किया, जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या हो गया हमारे पास, जिंक सल्फेट। यानी ये जो जिंक है इसने क्या किया, इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया। यानी कॉपर सल्फेट की जगह अब क्या बन के तैयार हुआ हमारे पास में, जिंक सल्फेट, और ये जो कॉपर है वो हमारे पास बचकर तैयार हो गया, यानी जो कॉपर है वो अलग हो गया। अब क्या हुआ देखिए, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, जिंक सल्फेट बन के तैयार हुआ तो कलरलेस हुआ। अब कॉपर जो है वो कैसे कलर का आया हमारे पास में, रेड कलर का। आपको सबको पता है कि जो कॉपर होता है वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो इस प्रकार से कि जो जिंक है उसने क्या किया, यहाँ पर कॉपर को रिप्लेस कर दिया, इसलिए जिंक जो होती है वो मोर रिएक्टिव होती है। अरे जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है जो कि कॉपर और आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होती है। अब यूजेस देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस होते हैं आप उनसे फेमिलियर है, आपको पता है कि जो मशीनरी बनाई जाती है बड़ी बड़ी वो मेटल से बनाई जाती है। ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, एरोप्लेन, ट्रेन, इंडस्ट्रियल गैजेट्स जो होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जो घर में हमारे बर्तन यूज किए जाते हैं, वे सभी किससे बनाते हैं, मेटल्स से। उसके साथ साथ वाटर बॉयलर का जो बनाए जाते हैं वो भी मेटल से बनाए जाते हैं। नॉन मेटल्स जो होती हैं उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या यूज होता है। तो जो नॉन मेटल्स होती है वो एसेंशियल होती है हमारी लाइफ के लिए। जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, वो हमारी सांस के थ्रू एसेंशियल होती है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अब नॉन मेटल्स जो होती है वो फर्टिलाइजर्स के लिए के रूप में यूज की जाती है। यानी जो क्या करती है, फर्टिलाइजर्स इनहेंस करती है किसको, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी जो प्लांट्स लगे होते हैं उन प्लांट्स में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स डाला जाता है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो और ज्यादा ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है उनमें। अब नॉन मेटल्स का यूज किसमें किया जाता है, वाटर प्योरिफिकेशन में। यानी जो वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस होती है, पानी को जो शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और लास्ट में है नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है क्रैकर्स बनाने में, या जो पटाखे होते हैं
उन पटाखों में भी नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।